करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना अपने पितरों के पिंडदान के लिए इन दिनों गया के मोक्षधाम विष्णु नगरी पहुंचे हुए हैं। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना गया के निजी होटल में प्रेस वार्ता करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना का आंकड़ा आधारहीन और निराधार है। कमरे के अंदर की गई जाति जनगणना सरकार के निरंकुश शासन को प्रदर्शित करती है। पूरे भारत में और बिहार में राजपूतों की संख्या 10% के हिसाब से बढ़ी है, लेकिन हमारी जनसंख्या पहले से भी कम बताई जा रही है। हमारी संख्या 50,000 है, वहां मात्र 5,000 बताई जा रही है, जबकि हमारी संख्या इससे अधिक है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में कुछ जातियों की जनसंख्या कम आकी जा रही है और कुछ जातियों की जनसंख्या अधिक, जिससे प्रतीत होता है कि ये राजनैतिक द्वेष के कारण इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। ऐसा है, कल हमारा एक बिहार की धरती की राजधानी पटना एक बड़ा जलजला राजपूत करणी सेना का, और हमारे अध्यक्ष अमित सिंह और पूरी टीम ये कल साबित करके आए हैं कि हम लोग कितनी तादाद में हैं। 3.5% हमें बताया जा रहा था। बिहार में 2011 की गणना के अनुसार 1,00,00,000 राजपूत वहीं यहाँ थे बिहार में, और अभी 2022-23 में बताया गया हमको कि 66,00,000 है, तो 50-60,00,000 कहाँ उड़ा दिए इन्होंने हमें मालूम नहीं। पर कल की एक छोटा सा जो हमने एक पहल करी, वो हमारी ताकत, वो हमारी संख्या गिनाने की एक पहल थी, और आने वाले दिनों में गांधी ग्राउंड जो यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड है, जो कहते हैं कि कुछ लोग ही भर पाए हैं, श्री राजपूत करणी सेना और यहाँ का राजपूत समाज अपनी ताकत वहाँ दिखाएगा, गिनती गिनाएगा। चुनाव से 5 महीने पहले ही हो जाए, अभी से हमारी तैयारी चालू होगी। 1.25 साल बाद में एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग वहाँ करेंगे। जो लोग हमें कमतर आंक रहे हैं उनकी बाकायदा एक चेहरे पे तमाचा होगा कि तुम लोग कितना दबाओगे राजपूत को। नहीं तो फर्जी जनगणना है, संतुष्ट तब होता है जब सही होती है। आप किसी भी जाति बिरादरी को कम वो ज्यादा मत बताइए, जातिगत जनगणना या कोई भी तरीके का सरकारी आंकड़े वो परफेक्ट होने चाहिए, न कि किसी को उठाने के लिए न किसी को गिराने के लिए। आप किस जातियों में नॉर्मलाइज किया गया है जो आंकड़े आए हैं हमारे सामने? क्या किया गया है? नॉर्मलाइज किया गया, मतलब एवरेज निकाला गया है। एवरेज क्यों निकाला गया? जब जातिगत जनगणना के आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, 1-to-1 घर जाके उसके आप कैंडिडेट बताइए, और एक एक आदमी का बाहर रह रहा है, अंदर रह रहा है, कहाँ है, बिहार का व्यक्ति है, उसकी आप आंकड़े जुटाइए। ये होता है जातिगत जनगणना। घर में बैठ के आप कैलकुलेशन जुटा रहे हो कि यहाँ गया में 5,000 राजपूत होंगे, यहाँ है 25,000, पटना में 5,00,000 राजपूत होंगे, है अब कितने हैं क्या है, 1-to-1 घर जाएंगे तब मालूम चलेगा ना। तो हाँ, 1,00,000% गलत है। और हमें किसी भी तरीके से अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसको हम लोग सीधा सीधा बोलना चाह रहे हैं, राजपूत जाति और राजपूत करणी सेना वो संस्था है। हमने पिछली बार राजस्थान में एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी बोल, 3 स्टेट में साफ कर दी थी करणी सेना को। और ये वो करणी सेना जब बोलती है तो सरकारें कहाँ उड़ती हुई जाती है हमें मालूम नहीं। हमें कोई अगर चैलेंज करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जाति बिरादरी किसी के हम लोग खिलाफ नहीं है, राजपूत किसी भी जाति के खिलाफ नहीं होता कभी भी। हमें टारगेट करके कोई करेगा तो नो डाउट मुंह तोड़ जवाब हम लोग देना जानते हैं। यहाँ अभी आपको मालूम होगा ठाकुर के कुएं के नाम पर एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, जो ब्राह्मण एक व्यक्ति से पूरे ब्राह्मण जाति को हम टारगेट करें हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राजपूत वो जाति है जो ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। पर उसको कैसे मैनिपुलेट करके उस झा ने राजपूतों को टारगेट किया एक कविता के नाम पे, जो कतई सही नहीं था। कल उसका जवाब हम लोगों ने दिया कि जब तक ठाकुर का कुआ था कभी कोई लोग प्यासा नहीं मरा। आज 20 रुपये की बोतल आती है पूरे देश में, और 80 साल हो गए हैं, 80 साल आपको ठाकुर के कुएं सौंपे, ये 564 रियासत राजपूतों की ही थी, हम लोगों ने सौंपे है, जो हमारी खून पसीने की जो गाड़ी कमाई थी उससे बनाई हुई गढ़ किले आपको सौंपे हैं, आपने उनका मेंटेनेंस तक नहीं करा पा रहे, आपकी औकात नहीं है। आप हमें बोल रहे ठाकुर का कुआ सर कटाए तब बने गढ़ किले, 3-3 4-4 पीढ़ियां एक साथ युद्ध में खपिए तब बने ठाकुर के कुएं, और 18 साल एक एवरेज उम्र थी राजपूत की 1,000 साल तक। इससे कोई नहीं, राजपूत जाति की व्यक्ति की 18 साल एवरेज उम्र थी, 1,000 साल रेगुलर। और यह हमें पूछ रहे हैं अब ठाकुर का कुआं और ठाकुर का कुएं के कारण से ठाकुर को मारना पड़ेगा, दिल के ठाकुर को, ठाकुर मर जाएगा देश कमजोर हो जाएगा, पाकिस्तान चीन जैसे लोग जो गिद्ध नजर लगाए बैठे हैं, राजपूत ये जो वहां आज भी सरहद पे अपने
देश के लिए गोली खाता है। सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रवादी कहूं मैं तो हर दिन अगर 5 लाख 10 लाख की भीड़ में भी हम लोग अगर कोई बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की करते हैं, राष्ट्र की करते हैं, राष्ट्र के कल्याण की करते हैं, कोई सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। हम लोग कोई सार्वजनिक संपत्तियां तोड़ने की जलाने की बात नहीं करते। कल भी होते हम तो हजारों की संख्या में इकट्ठा, किसी का कील भी बाकी हुई हो, किसी की मूंगफली का दाना भी उठाया हो या किसी भी गरीब को सताया हो तो आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है। हम लोग हमारे अनुशासन से आते हैं, हमारे अनुशासन से हम घर जाते हैं और हमारे अनुशासन का परिचय हम लोग हमेशा देते आए और देते रहेंगे। थैंक यू बहुत धन्यवाद।